नमस्कार, अर्चना घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दूध चावल से बनी दूधौरी। बहुत ही स्वादिष्ट होता है, सभी को बहुत पसंद आता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसको हम दिखा रहे हैं, देखिए कितना हुआ है सब। अब हम एक कटोरी चावल, एक कटोरी चीनी और 2 कटोरी दूध ले लिए हैं। अब चावल को हम अच्छी तरह से धो लेंगे 4-5 पानी तक, ताकि एकदम साफ चावल एकदम धुल जाए और सारे इसमें के जो कुछ भी हैं सारे निकल जाएँ। हमने चावल धो लिए हैं इस तरह से, बहुत ही अच्छा। अब हम कुकर में चावल को डालेंगे और दूध को भी डाल देंगे। हम कुकर बंद कर लेंगे और ये इंडक्शन पर चढ़ा देंगे बॉयल होने तक, 1 सीटी लगने देंगे। इधर हम चाशनी बनाना शुरू करते हैं। 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी जो चीनी हम रखे थे चीनी डाल लेंगे और इसको हम चलाना शुरू करेंगे। चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं और ज़्यादा पतला नहीं, अच्छी तरह से रहना चाहिए ताकि उसमें रस जा सके। इस तरह से चला कर हम देखेंगे, मेरा चाशनी का कलर चेंज हो चुका है। अब इधर मेरा चावल भी हो गया है तैयार, बहुत ही सॉफ्ट हुआ है। अब इसको हम थाली में निकाल लिए हैं मिक्सर जार में, इसको हम पीसेंगे या सिलवट्टा पर भी आप पीस सकते हैं। इसको हम पीस लिए हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इस तरह से इसको हम लोई बनाएंगे, पानी लगा लगा कर लोई बनाना है और इसको हम दबा देंगे। फिर दूसरे को भी ऐसे बनाएंगे, सारे इसी तरह बनाते जाएंगे और दबा दबा के रखते जाएंगे। सारे को हमने बना लिए हैं, कढ़ाई चढ़ा लिए हैं, गैस को ऑन करेंगे। तेल मेरा गर्म हो चुका है, इसको चेक कर लेते हैं। मेरा कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम सारे को डालेंगे इस तरह से, हाई फ्लेम पे छानना है, ना ही लो ना ही मीडियम। बहुत ही कुरकुरे लगेगा और सॉफ्ट भी। इस तरह से इसको हम अब चलाएंगे, पलटेंगे। इस तरह से हम पलट लिए, देखिए कितना अच्छा। अब इसको हम निकालेंगे और जो चाशनी में ही गर्मा गर्म डाल देंगे ताकि इसमें रस चला जाए। क्योंकि गर्मा गर्म ही डालने से रस जाता है, इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे में ऐसा हो चुका है। अब इसको हम थाली में सर्व करेंगे।
देखिए इस तरह से। बिल्कुल मिठाई की तरह दिख रहा है। इसको फ्रिज में रख देंगे और